अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। फ्लाइट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है और कोविड-19 के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, और ये जो दोनों खबरें हैं आपके लिए काफी अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि यही चीज को देखने के बाद में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुवैत सरकार अब फ्लाइट के बारे में क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। तो चलिए फिर बिना देरी के, बिना आपका टाइम गवाए वीडियो आगे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, क्योंकि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आपके साथ लेकर आते हैं ताकि उस चीज का कुछ ना कुछ सिला मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, और ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं जैसे कि आपको मालूम है कल की रिपोर्ट जो मैंने आपके सामने पेश करी थी वो भी काफी ज्यादा कम केसेस थे, और जो आज की मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो भी अब जो है कोरोना वायरस के केसेस कुवैत के अंदर काफी हद तक जो है कंट्रोल में आ चुके हैं। नए टेस्ट की बात करें 6,991 नए टेस्ट हुए, टोटल टेस्ट 24,53,107 हुए हैं और 795 नए केसेस आए हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि नए केसेस जो है वो 700 के करीब हो गए हैं और ये आने वाले वक्त में और भी इंशाल्लाह कंट्रोल में हो जाएंगे। टोटल केस 2,90,801 हुए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत की बात करें 1,687 की हुई है, 1,047 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 2,76,792 हुई है, 12,322 अभी भी एक्टिव केस हैं और जो सीरियस केस हैं वो हैं 194। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है। आप सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस के काफी हद तक जो है अब केसेस कम आ रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही आते रहे तो वो टाइम दूर नहीं है जो क्या जिन कंट्रियों के अंदर केसेस कम आते हैं कोरोना वायरस के, तो उन कंट्रियों की फ्लाइट शुरू की जाए। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगले अपडेट आ रही निकल के वार गया, यूके लंदन की जो फ्लाइट है वो पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और भी फ्लाइटों को शुरू किया जाएगा। अब जैसे कि बहुत सारे लोग जो है हमेशा कमेंट करते रहते हैं फ्लाइट कब चालू होगी कब चालू होगी, तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश की है कोरोना वायरस की, तो आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि केसेस इतने कम हो गए और उसके बाद में DGCA का ऐलान था। और अब जैसे ही जिस कंट्री में केसेस कम होते रहेंगे इंशाल्लाह उस कंट्री की फ्लाइट भी ओपन होती रहेगी। अब यहाँ पे इंडिया का कोई जिक्र नहीं है, किसी दूसरी कंट्री का कोई जिक्र नहीं है अभी फिलहाल में, लेकिन इंडिया का थोड़ा लंबे समय लग सकता है, लेकिन जिन कंट्रियों में कम है केसेस उसकी जल्दी ही ओपन की जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देखें, फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।